पाठ पाँच किताबें भाग दूसरा। बच्चों, अगर किताबें नहीं होती तो हमें गुजरे हुए कल, आज और अभी की जानकारी कौन भला देता? अगर किताबें नहीं होती तो हमें आने वाले कल के विषय में कौन भला समझाता? किताबों में जो कहानियाँ होती है और उन कहानियों से हमें कुछ अच्छी अच्छी सीख प्राप्त होती है, उन कहानियों से हम अच्छी बातें सीखते हैं। और यही नहीं, हमें अपने जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी समस्या आए, तो उन्हें किस तरह से उनका सामना करना चाहिए, ये बात हमें किताबें सिखाती है। बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ पाँच किताबें। ये एक कविता है और इस कविता में कवि ने किताबों का महत्व हमें बताया है। कवि सफदर हाशमी ये कहते हैं कि किताबें हमें भूतकाल की जानकारी देती है, उनसे हमें संसार और इनमें निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किताबों से हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी मिलती है और कवि कहते हैं कि हमें सुख दुख, हार जीत, प्रेम, घृणा, इन सभी के बारे में किताबें बताती है। इन सभी के विषय में किताबें हमें ज्ञान देती है। और कवि उसके साथ ये भी कहते हैं कि किताबें अपनी बात कहना चाहती है और लोगों के पास रहना चाहती है। किताबों को भी लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। ये जो किताबें होती है, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो मानो ये हमसे बातें करती है और ये हमारे पास रहना चाहती है। तो बच्चों, आइए इस कविता में आगे देखते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं कि किताबों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कविता किताबों में चिड़िया होती है, चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया की कहानी होती है, हाँ, अलग अलग पाठ में चिड़िया के किस्से होते हैं। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, खेतों के बारे में जानकारी दी गई होती है और जिसे हम पढ़ते हैं, हाँ, तो लहलहाते जो खेत होते हैं, लहलहाते हरे भरे जो खेत होते हैं, उनकी जानकारी हमें इन किताबों से मिलती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। परियों की कहानियाँ भी हम इन किताबों में पढ़ते हैं, है ना? बच्चों, इन किताबों में जीव जंतु, प्रकृति, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी होती है। किताबों में चिड़िया की जानकारी होती है, कुछ पाठों में चिड़िया की कहानियाँ होती है, हाँ, खेतियाँ की भी हमें कुछ पाठ होते हैं तो उनसे उनके विषय में जानकारी हमें मिलती है, हाँ, झरने और परियों की कहानियाँ हम किताबों में से पढ़ते हैं। तो इन सभी विषयों की जानकारी हमें इन किताबों से प्राप्त होती है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। बच्चों, ये जो किताबें हैं ये ज्ञान का सागर होती है, ज्ञान का महासागर होती है। कवि कहते हैं कि किताबों में रॉकेट का राज है, यानी कि ये जो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं इन्हें पता चलता है किताबें पढ़कर ही ये समझते हैं कि रॉकेट किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसे तैयार करते हैं, है ना? तो इन किताबों में रॉकेट का राज छिपा हुआ होता है और किताबों में साइंस की आवाज़ है, साइंस यानी कि विज्ञान। किताबों में कितना बड़ा संसार है, ये जो सारा संसार है ये किताबों में भरा पड़ा है। जीव जंतु, प्रकृति, विज्ञान, इन जैसे तमाम विषयों के बारे में हमें किताबों से जानकारी प्राप्त होती है। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो किताबें हैं ये ज्ञान का
ज्ञान की भरमार है, यानी कि इसमें इन किताबों में ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ होता है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बच्चों, कवि लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम किताबों के संसार को नहीं देखना चाहते हो? इन किताबों में जो ये सभी विषयों की जानकारी प्राप्त होती है, इन सभी विषयों की जानकारी लिखी हुई होती है, तो कवि लोगों से प्रश्न करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इन किताबों के संसार को नहीं देखना चाहते हो? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। क्या तुम इन किताबों को सुनना चाहते हो? ये किताबें जो तुम्हारे पास रहना चाहती है, क्या तुम इन्हें रहने देना चाहते हो? तो बच्चों, कवि किताबें इस कविता में हमने किताबों का महत्व जाना। किताबों में सारा संसार छिपा हुआ होता है, सारे विषयों के बारे में जानकारी होती है और इनसे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। हमें आने वाले कल के बारे में ये किताबें समझाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।